दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी स्नैपचैट की एप्लीकेशन यूज करते हैं और स्नैपचैट की एप्लीकेशन में जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम पे आपने जो नंबर दिया था यानी कि अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे ऐड किया था, अब अगर आप उस मोबाइल नंबर को वहाँ से हटाना चाहते हैं यानी कि उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से डिलीट कर सकते हैं उसी का प्रोसेस आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि स्नैपचैट से हम अपने मोबाइल नंबर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने स्नैपचैट के मोबाइल नंबर को ऐसे डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने स्नैपचैट की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्नैपचैट की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। आप स्नैपचैट की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऊपर की साइड आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होता है आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर चले जाना। प्रोफाइल पिक्चर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या दोस्तों कि सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली सेटिंग वाले आइकन पर टैप करना है। जैसे आप सेटिंग वाले आइकन पर टैप करेंगे तो आपके प्रोफाइल की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे आपका नेम, आपका यूजर नेम, बर्थडे वगैरह और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड किया हुआ। अब अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो जैसे कि चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस तरह से, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कहीं पर भी सेव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे तब तक आपका ये रिमूव नहीं होगा। अब अगर इसी कंडीशन में मैं यहाँ से बैक ले लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट आप इसको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, स्नैपचैट ने आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है जिससे कि अपने मोबाइल नंबर को यहाँ से डिलीट कर सके। लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है इसकी जगह पर आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, उस पर एक ओटीपी आएगी, उसको वेरीफाई कर लेंगे तो वो नया वाला नंबर आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपका जो पुराना वाला नंबर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बस यही एक तरीका है जिससे कि आप अपने स्नैपचैट से अपने मोबाइल नंबर को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं, इस मोबाइल नंबर को मैं ऐसे कर देता हूं रिमूव और इसकी जगह पर मैं अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहां पे एंटर कर दिया। इसके बाद नीचे वेरीफाई के बटन पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप एसएमएस के थ्रू ओटीपी चाहते हैं या फिर आप कॉल के थ्रू, तो मैं एसएमएस को ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओटीपी मांग रहा है तो कुछ ही सेकंड में आपके फोन पे एक ओटीपी आ जाएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल के अपने नंबर को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी हमारे पास आ चुकी है, चलिए मैं ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिए। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना, जो भी पासवर्ड आपने अपने स्नैपचैट पर बनाया हुआ है। चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोन नंबर हमारा अपडेट हो चुका है। चलिए मैं आपको बैक लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पुराना वाला मोबाइल नंबर यहाँ से डिलीट हो चुका है, यानी कि रिमूव हो चुका है, क्योंकि उसे हमने इस नंबर से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हमारा नया नंबर शो हो रहा है। तो बस दोस्तों यही एक तरीका है कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर को स्नैपचैट से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसकी जगह पर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए, उसको ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए, तो आपका नया नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और जिस नंबर को आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं वो यहाँ से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।